ये गोली से यूनिटी बढ़ती है, इसीलिए हम लोग ये अनवर समिति के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाए हैं। ये सभी को माने कि जितने भी जहाँ जहाँ है हम लोग जा करके देंगे। बात भाई हमारे तोलाराम जी सेठ है अनवर समिति के अध्यक्ष। हम सभी के गार्जियन से मदन जी मल्लू, हमारे गार्जियन से जुगराज जी चंदालिया, तेरापंथ युवक परिषद के कर्मठ युवा अध्यक्ष श्री दीपक जी बोथरा, तेरापंथ युवक परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष श्री पंकज जी सेठिया और हमारे शुभ भविष्य श्री संतोष जी बेद, सभी का स्वागत अभिनंदन। मातृ छाया सेवा संगठन जहाँ आज ये प्रोग्राम रखा गया है होम्योपैथिक दवाएं, मेरा निवेदन श्री मदन जी मालू से दो शब्द कहें। आराध्य देव के चरणों में वंदन। अनुवा समिति के अध्यक्ष तोड़ाराम जी और सहयोगी जो संस्था सेवा कर रही है, तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष दीपक जी बोथरा, एटीडीसी के चेयरमैन श्री बत्रा जी बोथरा, संतोष जी बैद, आदरणीय श्री जुगराज जी, तेरापंथ युवक परिषद के प्रेसिडेंट आईटी प्रेसिडेंट श्री पंकज सेठिया और मेरे इस संस्था के नेत्रहीन भाई बहनों, हमारे अनुवर समिति के अध्यक्ष तोड़ाराम जी के नेतृत्व में सेवा के कार्य जो चल रहे हैं, पहले इन्होंने मास्क और सैनिटाइजर वगैरह वितरित पहले किए थे यहाँ आप लोगों के साथ आप लोगों को, अब ये जो कोरोना की दवाई है इसका वितरित करने यहाँ आए हैं, सबको वितरित करेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल भी बताएंगे। तो मैं अनवर समिति की तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामना देता हूँ तथा आप सबसे निवेदन करता हूँ अनवरत क्या है इसके बारे में कहेंगे। अनवरत एक ऐसे चीज है जिसको सब व्यक्ति अपना सकते हैं, वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनवरत क्या है इसको जानें। अनवरत के छोटे छोटे नियम है, उस नियम का पालन आप सबको करना है। वो नियम का पालन करने से निश्चित ही आप अपना भला करेंगे, औरों का भला करेंगे, पूरे देश का पूरी दुनिया का भला होगा। अनवरत के हैं क्या छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूँगा, मैं हरे भरे वृक्षों को नहीं काटूँगा, मैं नैतिकता बरतूँगा, मैं नशा मुक्त रहूँगा, ये सारी बातें अनवरत की हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि सेवा के साथ साथ हम आप अनवरत की जानकारी दें और आप अनवरत का फॉर्म भरें और आप उनके सदस्य बने। ये अनवरत के बढ़ने के लिए आपको फॉर्म दिखाए जाएंगे और फॉर्म में आप अपना समझ करके साइन करेंगे तो आप अनवरत को अपनाएंगे। उसी शुभकामना के साथ पूरी दुनिया का देश का सबका भला हो आप सबका भला हो, मैं एक बार फिर से हमारे अनवरत समिति के अध्यक्ष मंत्री का सदस्य दवाई है इसके अंदर बहुत सारी 40-50 गोलियां हैं। अब आपको करना क्या है, सुबह खाली पेट 2 गोली लेंगे आप, ठीक है। जैसे आज कल सुबह आपने ली, कल सुबह लेने के बाद 3 दिन लगातार आपको 2-2 गोली लेनी है खाली पेट। गोली लेने के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद आपको कुछ नहीं खाना है, तो वो दवाई आपको ज़्यादा काम करेगी। उसके बाद ये 1 महीने का कोर्स हुआ, 3 दिन आपको लगातार लेनी है, फिर दूसरे महीने वैसे ही आपको लेनी है, फिर उसे वैसे ही आपको क्रम से 3 महीने में लेनी है। तो ऐसे करके आप ये गोलियाँ लेंगे, निश्चित ये कोरोना की महामारी जो है ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दवाई है, इस दवाई से आपकी घुटने भी बढ़ेगी, कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलेगी। तो ये जो कार्य हमारी अनवर समिति कर रही है, निश्चित ही मानव जाति का भला हो और इसके साथ साथ हमारा मेन उद्देश्य जो है अनवरत को अपनाने के लिए, अनवरत को आप सब अपनाएँ तो उससे आप सबका सब लोगों का भला होगा। मैं हमारे साथ में जो एटीडीसी के चेयरमैन बत्रा जी आए हुए हैं, तेरा कॉन्स्टिट्यूशन के दीपक जी बत्राए हैं, उनसे मैं कहूँगा वो भी दोनों सब काम देंगे बताए। आराध्य देव के सिंचन में कोटि के नमन। अनुवर्त समिति सर्व समाज को साथ लेके चलती है इस कोरोना के समय भी,
सामान्य श्री तोलाराम जी सिंह के नेतृत्व में अध्यक्षता में अच्छा काम हो रहा कंटिन्यू कुछ जैसा मधुका जी ने बताया है। और ये जो आज दवा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा दी जा रही है जिसका बड़ी उपयोगिता है कोरोना के समय, भूखे पेट जैसे भाई जी ने बताया दो सुबह उसके बाद आधा घंटा आगे पीछे कुछ नहीं खाना ऐसे लेना है। और सभी को बधाई, सेवा कार्य चलता रहे, बहुत बहुत बधाई तोलाराम जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब हमारे बीच में तेरापति युग परिषद के अध्यक्ष श्री दीपक जी बोथरा, उपस्थित दरबार समिति के अध्यक्ष श्रीमान तोलाराम जी सेठिया, हमारे तेरापति युग परिषद के सलाहकार श्री मदन जी मालू, श्री युवराज जी चिंदारिया और हमारे अतिथि श्री चेयरमैन नमस्कार जी बोथरा और हमारे साथी करेमठ साथी संतोष जी बे और हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट श्री पंकज जी सेठिया, सभी को स्वागत जय जयेंद्र। उपस्थित मातृ छाया सेवा संगठन में जितने भी साथी हैं उनको भी स्वागत जय जयेंद्र। ये आज अनुवर समिति पिछले कुछ कोरोना कोविड में इतना सुंदर महत्वपूर्ण कार्य करके आ रही है, उसी में से कार्य ये भी है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए जिससे कोरोना ना आए, इसके ऊपर में उन्होंने एक दवाई जो आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई है उसी को सभी के पास वितरण करने में जुटे हुए हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है क्योंकि आदमी को इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो कोरोना होगा नहीं। मैं आपको और तेरह बंद ज़्यादा समिति के अध्यक्ष को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हमारे गार्जियन युवराज जी भाई जी दो सम आराध्य देव के चरणों में छोटी से वंदन। श्रीमान मदन जी मालू, बचराज जी, तोलाराम जी, इन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी तरह से काम किया है। भाई दीपक बोथरा, पहले इन्होंने गरीबों में या जो नहीं सक रहे उनके राशन दिया है, फिर मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह दिया, आज ये दवाई वितरण कर रहे हैं, आज मातृ छाया में यहाँ किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करते रहेंगे। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि ये सेवामूलक ये काम करते रहें। अनुव्रत समिति के अध्यक्ष के रूप में तोलाराम जी ने अपना कार्यकाल खूब अच्छा से निभा रहे हैं और इसी तरह ये कार्यकाल उनका खूब अच्छा से जाए, ये शुभकामना। हमारे बीच तेरापंथ युग परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष श्री पंकज जी सेठिया, साधन निवेदन श्री पंकज जी सेठिया। आराध्य देव के चरणों में छोटी सी वंदन। यहाँ उपस्थित हमारे गार्जियन सलाहकार त्रयों के मदन जी मालू, हमारे गार्जियन युवराज जी भाई जी, अनुभव समिति के अध्यक्ष तोलाराम जी सेठिया, ATDC के चेयरमैन बचराज जी बोथरा, युग परिषद अध्यक्ष दीपक जी बोथरा, हमारे संतोष जी बे को बहुत बहुत साधुवाद है। आज ये कोरोना महामारी की दवाई यहाँ मातृ छाया में वितरण कर रहे हैं, ये बारिश के समय में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी।